कौन है रोनाल्डो की नई गर्लफ्रेंड? नाम जान के आपके होश उड़ जाएंगे। क्यों मेसी ने की थी दुनिया के सामने रोनाल्डो के इंसल्ट? रोनाल्डो ने जब मांगा सड़क पर चलती हुई लड़की से उसका नंबर, तो लड़की ने कर दी ऐसी हरकत की जिंदगी भर पछताना पड़ा। और वीडियो के एंड में रोनाल्डो की सबसे लंबी जंप देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेसी और रोनाल्डो के बीच 2016 में उस समय एक बड़ी जंग देखने को मिली, जब एक मैच में मेसी की टीम ने रोनाल्डो की टीम को एक गोल से हरा दिया। इस जीत के जश्न में मेसी ने रोनाल्डो की इंसल्ट करते हुए अपनी टी शर्ट उतार कर सेलिब्रेट किया। उस टाइम पर रोनाल्डो ने या उनकी टीम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले साल यानी 2017 में फिर दोनों टीमें एक बार फिर सामने आई। लेकिन पहले हाफ तक मेसी की टीम एक बार फिर रोनाल्डो की टीम पर भारी पड़ते हुए दिखाई दी। लेकिन जैसे ही मैच के हाफ के बाद रोनाल्डो को मैदान में उतारा गया, तो रोनाल्डो ने एक के बाद एक दो गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी। और अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उन्होंने ठीक वैसे ही सेलिब्रेट किया जैसे मेसी ने उन्हें इंसल्ट करते हुए किया। रोनाल्डो ने जब एक लड़की से खुलेआम उसका नंबर मांगा, तो वो इग्नोर कर आगे चली गई। असल में ये सब हुआ था 2019 में, जब रोनाल्डो अपना गेटअप बदल कर इटली के सड़कों पर फुटबॉल खेलने के लिए उतरे थे। वो देखना चाहते थे कि लोग उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। सड़कों पर अपने फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया। इसी बीच एक बच्चा भी उनके साथ काफी देर तक खेला, जिसके बाद रोनाल्डो ने उस बच्चे को फुटबॉल पर अपना ऑटोग्राफ देकर उसे फुटबॉल गिफ्ट कर दी, और साथ ही साथ अपना गेटअप भी रिवील कर दिया, जिसे देखने के बाद वहाँ पर हर कोई हैरान रह गया। अब शायद अगर वो लड़की ये सच्चाई जानकर बहुत अफसोस कर रही होगी कि उसने अपना नंबर क्यों नहीं दिया। रोनाल्डो ने सिर्फ 13 साल में 18 गर्लफ्रेंड बदली हैं, और उनमें से 3 महिलाओं को माँ बना चुके हैं। रोनाल्डो के कुल फिलहाल 4 बच्चे हैं। खबरें तो ये भी थी कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस बिपाशा बसु को भी डेट किया था, हालांकि कुछ लोगों ने इसे अफवाह ही बताया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड इरीना शाक ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते 11 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम से महज 24 घंटों में खो दिए। असल में हुआ ये था कि इरीना शाक ने लोगों से ये कहा कि अगर आप मुझे सिर्फ रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानते हैं, तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी अलग पहचान भी रखती हूँ। सिर्फ रोनाल्डो ही मेरी पहचान नहीं। इसके बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को शायद अच्छी नहीं लगी ये बात, और 11 मिलियन लोगों ने उन्हें अनफॉलो कर दिया। फिलहाल इरीना शाक के लगभग 19 मिलियन फॉलोअर्स है, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आज 466 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन रोनाल्डो की नई गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज 2015 में इरीना शाक से ब्रेकअप के बाद 2016 में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। जॉर्जिना रोड्रिगेज एक स्पेनिश मॉडल है। इंग्लैंड में शिफ्ट होने से पहले वो एक वेट्रेस की नौकरी करती थी। एक स्पेनिश फुटबॉल न्यूज़पेपर एएस के अनुसार ये रोनाल्डो से मैड्रिड के गुची स्टोर में मिली। जॉर्जिना रोड्रिगेज यहाँ पर शॉप असिस्टेंट के तौर पर नौकरी कर रही थी। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया, और 2017 में जॉर्जिना रोनाल्डो के बच्चे की मां बनी। फिलहाल जॉर्जिना की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जल्द ही रिलीज होने वाली है, जो कि इन दोनों की निजी जिंदगी के ऊपर बनी है। रोनाल्डो ने एक 10 महीने के बच्चे की जान बचाने के लिए अपने एक ऑटोग्राफ की गई जर्सी और जूते के साथ साथ $83,000 का डोनेशन दिया। इतना ही नहीं, उस बच्चे का ऑपरेशन का पूरा खर्च भी रोनाल्डो ने ही उठाया। असल में हुआ ये था कि 10 महीने के बच्चे को एक बीमारी थी, जिसमें काफी खर्चा होने वाला था, लेकिन फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके कारण बच्चे का ऑपरेशन होना नामुमकिन लग रहा था। इसके बाद उन्होंने पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर से रिक्वेस्ट की कि वो अपने एक ऑटोग्राफ की हुई जर्सी और जूते उन्हें डोनेट करे, जिससे कि वो उनका ऑक्शन करके उससे आने वाले पैसों से अपने बच्चे का ऑपरेशन करा सके और उसकी जान बचा सके। लेकिन जैसे ही ये बात रोनाल्डो को पता चली, उन्होंने बिना देरी किए बच्चे की जान बचाने का फैसला कर लिया, जिसके बाद वो लोगों के दिलों में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। रोनाल्डो ने कल्पना से परे जाकर लगभग 3 मीटर ऊंची जंप लगाते हुए हेडर के जरिए ये गोल दागा था। उनके इस गोल की मदद से यूवेंटस ने इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए के मैच में सैम्पडोरिया को 2-1 से हराया। समय यूवेंटस के लिए पाउलो डायबाला ने 19वें मिनट और फिर रोनाल्डो ने 45वें मिनट में गोल किया। इसमें अलेक्सेंड्रो के पास पर रोनाल्डो ने 2.56 मीटर ऊंची जंप लगाई और शानदार हेडर से गोल दागा। इस दौरान रोनाल्डो काफी देर तक हवा में भी रहे, और उनकी ऊंची जंप का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे जब हवा में थे, तब उनकी कमर विपक्षी टीम के खिलाड़ी के सिर के ऊपर थी। आमतौर पर इतनी ऊंची जंप बास्केटबॉल में ही लगाते हैं या फिर ऊंची कूद में, पर रोनाल्डो ने हैरतअंगेज जंप लगाकर इस पास को गोल में बदला। रोनाल्डो के इस गोल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। धन्यवाद।